फलस्तीन के गाजा में इसराइल द्वारा किए जा रहे हमलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इसराइल गाजा में लगातार तबाही मचाता जा रहा है और पूरी दुनिया इस तबाही पर चुप है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान इसराइल के जुल्म का रात दिन शिकार हो रहे हैं। गाजा में इसराइल की तरफ से हुए हमलों में 150 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हमास की तरफ से इसराइल में दागे गए रॉकेटों की संख्या 2500 हो चुकी है, जिसमें इसराइल के कुल 9 लोग मारे गए हैं। गाजा की क्या सूरत हाल है और गाजा में कितना नुकसान हो चुका है, इसकी हर अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। गाजा के मुकाबले अब तक इसराइल का बहुत कम नुकसान हुआ है, उसकी वजह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हमास द्वारा दागे गए रॉकेट बहुत ही बेसिक रॉकेट हैं। उनमें से बहुत से, लगभग आधे रॉकेट्स इसराइल का आयरन डोम हवा में ही नष्ट कर देता है। बाकी जो रॉकेट इसराइल तक पहुंचते हैं उनमें से कुछ रॉकेट्स खाली जगह पर जाकर गिरते हैं तो कुछ इसराइल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये समझिए, इसराइल गाजा में तबाही कैसे मचा रहा है। इसराइल गाजा में हवाई हमले कर रहा है। इसराइल की एयरफोर्स टारगेट सेट करती है और मिसाइल दागती है तो सीधे मिसाइल वहीं जाकर लगती है जिसे वो मारना चाहती है। इसराइल एक ही हमले में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तबाह कर देता है, जबकि हमास के साथ ऐसा नहीं है। हमास गाजा से ही रॉकेट छोड़ता है, कुछ रॉकेट सही निशाने पर जाकर लगते हैं जबकि कुछ रॉकेट खाली जगह पर जाकर गिर जाते हैं। इसलिए इसराइल का नुकसान कम हो रहा है और गाजा में ज्यादा तबाही मच रही है। हम मीडिया टुडे टीवी के प्लेटफॉर्म से सही, सच्ची और जिम्मेदारी के साथ सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मिर्च मसाला लगाकर खबरें आप तक पहुंचाना हमारी फितरत नहीं। पिछली वीडियो के मैंने कमेंट पढ़े थे, उन कमेंट्स में से कुछ लोगों का कहना था कि दूसरे न्यूज चैनल बता रहे हैं कि फलस्तीन में तुर्की ने अपनी फौज भेज दी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहती हूं कि फलस्तीन में अभी तक किसी भी देश की फौज नहीं गई है। निहत्ते फलस्तीनी जालिम इसराइल के जुल्मों का सामना कर रहे हैं। फलस्तीन की तरफ से सिर्फ हमास तो लड़ रहा है, लेकिन उसके अलावा आज 16 मई 2021 तक किसी भी देश ने अपनी सेना फलस्तीन नहीं भेजी है। लोग थोड़े से व्यूज के चक्कर में आप तक झूठी खबरें पहुंचाते हैं और आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे बचिए। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। गाजा में सूरत हाल बहुत खराब है। इजरायली सीमा के करीब रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। अब तक 10,000 फिलिस्तीनी इसराइल के बॉर्डर से अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। उनका कहना है कि इजरायली सेना कभी भी उनके घर में घुस सकती है, वे इसे लेकर चिंतित है। उन लोगों ने बताया कि उनके इलाके और घरों में भी बम गिराए जा रहे हैं। एक परिवार जो इजरायली सीमा के करीब रहता था उसने बताया कि हमें लग रहा है जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही है। आसमान में इजरायली हवाई जहाज मंडरा रहे हैं, साथ ही टैंक और नौसेना गोले बरसा रही है। हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए अपना घर छोड़कर जाना ही एक विकल्प है। अब बात करते हैं रात गाजा में किए गए एक बिल्डिंग के हमले की। इस बिल्डिंग में मीडिया के ऑफिस थे, ये खबर आप सुन चुके होंगे। इसके बारे में बता के मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इसराइल ने यह हमला क्यों किया। कतर का चैनल अल जलजीरा और अमेरिका के एपी प्रेस का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में था। दरअसल अल जलजीरा कतर का चैनल है, ये पहले ही दिन से इसराइल द्वारा गाजा में मचाई गई तबाही की कवरेज कर रहा है। रोते बच्चे और बिलकते औरतों की आवाज दुनिया में पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से गाजा की सही सूरत हाल दुनिया के सामने पहुंच रही है और सभी देशों में इसराइल के खिलाफ आम जनता का गुस्सा उबल रहा है। इसलिए इसराइल ने उस बिल्डिंग पर हमला किया जिसमें मीडिया के ऑफिस थे, ताकि कोई भी चैनल गाजा में इसराइल के नंगे नाच का नजारा दुनिया के सामने ना रख सके। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अपील की जा रही है कि मामले को जल्द से जल्द शांत किया जाए। इसके अलावा अमेरिका ने भी शांति की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई भी इसराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष विराम का समझौता नहीं करा पाया। हमले के बाद अल जलजीरा का बयान भी सामने आया है। अल जलजीरा ने कहा है कि इन हमलों से हमें चुप नहीं कराया जा सकता। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।